अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है कुकर में मसाला दम बिरयानी। देखिए कितनी बढ़िया मेरी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। और ये बहुत इजी तरीका है बिरयानी बनाने का, मसाला बिरयानी अगर आप बनाना चाहते हैं तो। आइए देखें मैंने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में चिकन ले लिया जो कि मेरा 700 ग्राम चिकन है, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम इसमें एक कटोरी डालेंगे दही। ये हम बना रहे हैं कुकर वाली दम बिरयानी जो कि बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, लगभग डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। इसके साथ साथ ही हम ये डालेंगे पुदीना, 5 से 6 हरी मिर्चें जो मैंने काट कर लिया है। मम्मा, हाँ बेटा, चाचू गए और ये हरा धनिया इसमें डाल दिया है। मम्मा, हाँ बेटा, चाचू, हाँ बेटा अभी आ रहे हैं। फिर इसके साथ में हमें डालना है इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बहुत थोड़ा, आधा चम्मच के आसपास मैंने गरम मसाला डाल दिया जो कि मेरा होममेड गरम मसाला है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज तल के रखी हुई है, 2 प्याज मैंने यहाँ पे तल के रखी हुई है। तो हम इसको प्याज को क्रश करके इसमें इस तरीके से डाल देंगे। प्याज को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ में हम डालेंगे जिस प्याज में हमने ऑयल गरम किया था, मतलब ऑयल में, जिस ऑयल में प्याज फ्राई करी थी वो ऑयल भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको अपने हाथों से भी कर सकते हैं लेकिन मैं अपना चमचे का यूज कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करके और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे इसको। मैंने कोई गैस ऑन नहीं करा है, कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही मैरिनेट किया है। अब इसको मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 सीटी लगा ली थी और प्रेशर में छोड़ दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट, यहाँ पे मेरी दम बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये देखिए